नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 7 लगाने वाले हैं मैथ्स का। जो लोग मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैथ्स जो है यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये हमारा 7वां पार्ट है। इससे पहले के नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए हम बिना देरी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आप जो है मैथ्स में अच्छे स्ट्रांग हो पाओगे। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। एक धनात्मक पूर्णांक का 20 गुना अपने वर्ग से 96 कम है तो वह पूर्णांक क्या होगा? ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक मान लिया मैंने, माना कि एक धनात्मक पूर्णांक एक्स है। ठीक है, एक्स है तो इसमें क्या बोला गया है कि इस एक्स को, एक धनात्मक पूर्णांक अपने वर्ग, इसके वर्ग के बराबर जो है यहाँ पर 20 गुना, और कितना कम है? 96 कम है। अगर इसमें माइनस करूंगा तो मैं इधर प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए एक धनात्मक पूर्णांक का 20 गुना अपने वर्ग से 96 कम है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, द्विघातीय समीकरण बन जाएगा। तो ये इस लाइन का मतलब हमारा ये है यहाँ पर दर्शक। तो इसको अब हमें सॉल्व करना है, यहाँ से एक्स का मान निकालना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 96 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें एक वैल्यू तो प्लस की आएगी, एक वैल्यू माइनस की आएगी। तो यहाँ पर देखिए इसको 96 को मैं किस तरीके से तोड़ूं कि मुझे मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 96 मिल जाए, और अगर मैं जोड़ू उनको, इकट्ठा बीच में, तो 20 मिल जाए। तो देखिए 12 8 96 होता है। ठीक है, 12 8 96 होता है, और इस तरीके से अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये हमारी बात नहीं बनेगी। देखिए इन दोनों को ही अगर मैं माइनस करता हूँ, ठीक है, तो ये प्लस की वैल्यू आ जाएगी, मतलब यहाँ पर एक प्लस एक माइनस की वैल्यू मानी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर मैं इसको माइनस मानता हूँ और इसको प्लस मानता हूँ तो माइनस का ये तो मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा। तो ये हमारा, देखिए दूसरा और देखता हूँ, देखिए 24 और कितना मानूँ यहाँ पर 4, तो मुझे मिल जाएगा। अब देखिए इसको मैं माइनस मान लूँ और इसको प्लस, इसको माइनस इसको प्लस, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 96 मिलेगा मुझे, और इसमें से घटाता हूँ तो माइनस का 20 मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हमारे रूट जो निकले हैं -24 + 4, पर यहाँ पर देखिए इसमें जो माइनस प्लस है, ये एक बात याद रखना, यहाँ पर जो है अगर दोनों तरफ माइनस माइनस लगी हुई है तो बड़ी वाली के साथ हमें प्लस लगाना है जो आखिरी के रूट आएंगे, और छोटी वाली के साथ माइनस लगाना, ये याद रखना। वरना आपको एक फॉर्मूला पता होगा, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रही होगी क्योंकि आप पहली बार देख रहे हो तो इसमें कन्फ्यूजन होती है, वरना आपको एक फॉर्मूला तो पता ही होता है, -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बी की वैल्यू आप देखोगे यहाँ पर -20 हो जाएगी, और सी की वैल्यू जो हो जाएगी -96 हो जाएगी। बस इनको उठा के इसमें रख देना है। तो यहाँ पर देखिए -b और माइनस का 20 पहले से ही है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर आप करोगे तो ये हो जाएगा 400 माइनस 4, ए का 1 है और सी कितना है हमारा 96 है, वो भी माइनस का, अपॉन 2 ए हमारा 1 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 400 ये दिया हुआ है, और यहाँ पर आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 4 से जब मैं से देखिए माइनस ये है और माइनस का ये है तो प्लस हो जाएगा, और 4 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 4 6 24, 8 लगा 2 और 9 चौक 36, 37 38 अपॉन 2, तो 20 + -√ ये कितना हो जाएगा, 784/2। तो ये किसका रूट होता है, ये वाला आप देखोगे, ये वाला होता है 20, ये हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, यहाँ से आप देखोगे 784, तो ये 2 आएगा और यहाँ पर कितना 8। ठीक है, 2 2 4 होता है, 3 तरफ 9 3, तो ये आ जाएगा हमारा 28 का। ओके, ये 28 का है, तो यहाँ से अब मैं यहाँ पर 28 रखूंगा तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसका जो रूट निकलेगा 28 का निकलेगा, तो 20 + -28/2,
अब इसको एक बार प्लस में लेना है और एक बार माइनस में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसे मैं प्लस में लूंगा पहले, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 48/2। तो यहाँ से देखो ये 24 ये आ गया, और एक बार माइनस लूंगा तो यहाँ पर 20 है और ये माइनस का 28 है, तो माइनस का कितना बचेगा, 8 बचेगा, अपॉन 2 है तो ये माइनस का 4 बचेगा। तो यहाँ से देखिए हमारा रूट क्या निकले, 24 और -4, तो इस तरीके से निकले। हमें पूर्णांक निकालना था जो कि हमारा आंसर दिया हुआ है 24। तो आप ये वाला भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो अगर आपको ये चीजें नहीं पता। तो ये चीजें आप, जब मैंने शुरुआत में शॉर्ट ट्रिक बताई है कि किस तरीके से आपको इसको तोड़ना है कि मुझे यहाँ पर 20 मिल जाए और मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर 96 मिल जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस करने से ही आएंगी, इसके प्रैक्टिस करोगे तभी आपको अच्छा रहेगा। देखिए, यदि 3167 को 4093 में जोड़ा जाए, प्राप्त का योग जो है, प्राप्त योग का 145 से विभाजित किया जाता है, तो उसका सन्निध परिणाम क्या हो जाएगा। तो आसान है, यहाँ पर 3167 और 4093 इसको जोड़ना है और हमें इससे डिवाइड करना है सीधा सीधा। 0 9 15 1 16 ये 2 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, यानी 7260। इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, 145 से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ से देखिए, मैं इसे किससे पहले 5 से करूंगा या 6 से करूँ, 5 से करना पड़ेगा क्योंकि 6 से करूंगा। देखिए, 6 से अगर मैं करता हूँ इसको, 6 5 30, यहाँ से लगा 3, 6 6 24 और 27, 2 6 2 8, जो कि ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 आएगा। तो देखिए, एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो कि पहला जो यहाँ पर डिजिट है वो 5 है, बाकी किसी में नहीं है, ठीक है। तो वैसे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। फिर भी देखिए आप, 5 5 25, यहाँ से लगा 2 5 6 20 और 2 22, 5 और 2 7, तो यहाँ से देखिए कितना बचेगा, यहाँ पर 0, कितना बचा। तो ये 0 मतलब उसके आसपास की हमें वैल्यू निकालने को कहा गया है, सन्निकट उसका परिणाम होगा जो कि 50 के आसपास हमें देखने को मिलेगा, ओके। तो इसके हमें आसपास की वैल्यू देखनी थी, जो कि हमारा सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये है, और इसको हमें इस फॉर्म में जो है व्यक्त करना है, यानी आप देखिए इसके का योग इसके बराबर है, ये दिया हुआ है दरअसल हमें, इन दोनों का योग दरअसल इसके बराबर। देखिए, 0.3 पे बार लगा हुआ है और +0.4 पे बार लगा हुआ है, इन दोनों को जोड़ता हूं मैं तो मुझे यहाँ पर 0.3, ये 3 है, ये 4 है, बार की बार में जुड़ेगा तो यानी 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये मिल गया दरअसल, ठीक है। ये किसके बराबर है, यहाँ पर पी अपॉन क्यू के बराबर, पर हमें वैल्यू जो है यहाँ पर इस तरीके से निकालनी है। तो देखिए, इसमें मैंने आपको एक, मैंने यहाँ पर कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो, मान लो जैसे कि ये लगा हो, मान लो यहाँ पर 2 2, इन दोनों पे बार लगा, तो आपको क्या करना है, इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो जिस पे बार लगा हुआ है उसको यहाँ पर 1 9 नीचे लगा देना। इसी तरीके से आप देखोगे, इसको करोगे तो 22/19 इस तरीके से, तो इसमें देखोगे आप 7/9 हो जाएगा, दरअसल हमारा आंसर आ जाएगा इसका ए ऑप्शन, ठीक है। अभी आप सोचोगे कि ये कैसे आ गया, ठीक है। इसका भी मैं आपको देखिए एक पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कि ये कैसे आता है, ठीक है, जिससे आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। ये दी हुई है संख्या, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, जब भी कोई संख्या पे बार लगा हो तो वो बार बार रिपीट होती है, तो इस तरीके से हम लिखते जाएंगे। ये किसके बराबर है, हमारी पी अपॉन क्यू के बराबर। तो इसमें मैं 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसमें मैं 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 10 P/Q इक्वल टू ये हो जाएगा 7.7777, ठीक है। तो ये हो गया, तो हमारा एक इक्वेशन तो यही है, P/Q बराबर 0.777, ये एक इक्वेशन ये बन गया और दूसरा हमारा ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए, इसमें से ये वाली जो दूसरा इक्वेशन है, पहला घटा देता हूँ इसमें, ठीक है। तो जब मैं इसमें से घटाऊंगा, देखिए पी अपॉन क्यू माइनस पी अपॉन क्यू इक्वल टू यहाँ पर 7.7777 इस तरीके से, और -0.777 इस तरीके से, तो यहाँ से देखिए ये 9 P/Q आ जाएगा, और यहाँ पर आप देखोगे ये कितना हो जाएगा हमारा। देखिए, पॉइंट के बाद की जो संख्याएं दी हुई हैं, यहाँ पर भी दी हुई हैं, तो ये तो घट जाएंगी, ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 7 बचेगा, यानी 7.77 इस तरीके से है, और यहाँ से 0.777, जब आप घटाओगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 7 ही तो बचेगा,
तो यहाँ पर हमारा 7 आ गया, तो ये 9 इधर पहुंचा दूंगा, यानी 7:9। तो ये दरअसल इसका प्रोसेस होता है जो मैंने आपको बता दिया है, पर आपको ये डायरेक्ट चीजें करना है, इतना नहीं करना है क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम नहीं रहता। ओके चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है, वह छोटी से छोटी अपरिमेय संख्या क्या होगी जिसमें जिससे रूट एट को गुणा करने पर वह परिमेय संख्या मिल जाए। परिमेय मतलब होता है पूर्णांक संख्या हमें मिल जाए एक तरीके से। तो इसमें रूट एट में मैं कौन सी अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे पूर्णांक परिमेय संख्या मिल जाए। परिमेय मतलब 2, 4, 6, 3, 5 इस तरीके का अपरिमेय होती है, जो जैसे कि पॉइंट में हो गई। ठीक है, तो ये जो है हमें पूर्णांक निकालना है, दरअसल परिमेय संख्या निकालना। तो यहाँ से देखिए, अब ये आप देखोगे इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, ये देखिए 2 की पावर 3 होता है, यानी 2 × 2 × 2 इस तरीके से होता है कि नहीं होता। तो इसको मैं 2√2 लिख सकता हूँ। अब इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे ये पूर्णांक मिल जाए, यानी √2 है। तो इसमें अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, जो कि मुझे 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारा आ जाएगा डी ऑप्शन। तो √2 से मल्टीप्लाई करूँ, बाकी आप किसी भी संख्या से कर लो इसमें मल्टीप्लाई। जैसे कि ये पहला ऑप्शन ले लेता हूँ 4, तो ये 8√2 हो जाएगा। तो क्या ये तो अपर में ही रही, पर में तो बनी नहीं है, है ना। तो ये √2 हटाना है हमें, तो √2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का योगफल 16 है, यदि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी होती है तो संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए पहला तो आप ये वाली लाइन समझिए, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, तो यहाँ पर देखिए 3 गुनी हमें यहाँ पर एक ये वाली मिल रही है, 2 × 4 = 8, ये तो 4, 2 × 4 हो रहा है, ये तो 4 गुना है, 4 × 3 = 12, ये हमें मिल रही है 3 गुना एक तरीके से, बाकी आपको और कोई संख्या नहीं मिल रही। तो ये तो ऑप्शन से ही वेरीफाई हो गया सीधा सीधा, ऑप्शन हमारा इसका आंसर दरअसल आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अब आपको देखिए, अब इसका जो सॉल्यूशन है वो हम देखते हैं। माना मैंने संख्या एक एक्स है और दूसरी मान ली मैंने 3x है, भाई 3 गुना मान लिए, तो इन दोनों का योग कितना है, 16 के बराबर है। तो x प्लस 3x बराबर 16, तो 4x = 16, x = कितना हो जाएगा, 4 × 16। ठीक है, x की वैल्यू हमारी 4 आ गई। अब हमें संख्या हमें पता है कि x और 3x मानी थी, x का हमारा 4 है, तो यहाँ पर 3 × 4 यानी 12 और 4, ये हमारा आंसर आ गया, जो कि हमें ए ऑप्शन। ओके तो कभी कभी ऑप्शन भी आपको ऐसे दे दिए जाए कि आपको ऑप्शन से ही वेरीफाई कर सकते हो, बाकी आपको इतना कुछ करने की नहीं जरूरत। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 176 को किसी संख्या से भाग करने पर भागफल 9 और शेषफल 5 प्राप्त होता, तो वह संख्या क्या होगी, यानी हमें संख्या निकाल ली। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कोई संख्या 9 है और इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 9 को जो 2 से करूंगा तो ये कितने बार, 4 बार जाएगा और एक शेषफल बचेगा। यानी आप देखिए जो हमारा ये संख्या है 9, वो किसके बराबर, इसका मल्टीप्लाई करने पर भाग जो हमारी भाग दे रहे हैं जो भागफल है और प्लस 1 शेषफल, यानी ये हमारे भाग देने वाली संख्या होगी, भाग देने वाली, ये हो जाएगा भागफल और प्लस शेषफल, तब हमें जो है संख्या मिलती है जो हम जिसमें हम डिवाइड। तो ऐसे ही ये वाली है, देखिए 176 है, इसको मैं किसी भी संख्या से, मान लो x संख्या से डिवाइड कर रहा हूँ, भागफल 9 आ रहा है 9 से और शेषफल मैं 5 ऐड कर दूंगा, तो मुझे जो है ये वाली संख्या मिलनी चाहिए। तो हमें x निकालना है दरअसल यहाँ पर वही चीज है। ठीक है, तो 5 को मैं इधर करूंगा, 176 - 5 = 9x, तो यहाँ से देखिए 171 = 9x मिल जाएगा। तो x = यहाँ से कितना हो जाएगा, 171/9। तो यहाँ से देखिए एक तो 9 × 9 कितना बचेगा, यहाँ पर हमारा देखिए 176 है, बिल्कुल सही है। शेषफल हमारा 5 आ रहा है, भागफल 9 है, तो वह संख्या क्या होगी, तो यहाँ से देखिए 9 × 9 हो जाएगा और ये कितना बचेगा हमारा, यहाँ पर 8 बचेगा, 9 × 9 = 81, 19 आ जाएगा हमारा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर। ओके सी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब अगर मैं 19 का 176 में डिवाइड करता हूँ तो मुझे भागफल तो 9 मिलेगा और शेषफल 5 मिलेगा। ये
अगला प्रश्न देखिए, 36 में क्या जोड़े कि उसके अंकों के स्थान परिवर्तन से बनी संख्या प्राप्त हो, यानी इसमें 36 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे जो संख्या है वो कितनी मिल जाए, इनके स्थान परिवर्तन हो जाए, मतलब 63 हो जाए, भाई 6 पहले पे आ जाए और 3 बाद में चला जाए, ये हो जाए। तो मैंने माना कि एक्स जोड़ा जाए, तो यहाँ से देखिए एक्स इक्वल टू 63 अपॉन 36, तो यहाँ से माइनस कर दूंगा इसे, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा हमारा 7, और ये हो जाएगा तो 27, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 27। तो 36 में 27 अगर जोड़ता हूँ तो मैं यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा, 63 मिल जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना था। ओल्ड ये वाले और आप जो है मुंह जुबानी ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं आता है देखा जाए तो शिक्षक वर्ग फ्री में। देखिए ये वाला है, 5 का हमें स्थानीय मान निकालना है। तो मैंने एक आपको पहले कोई शुरू में, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो उसमें मैंने मैं एक क्वेश्चन कराया था स्थानीय मान से, कि मान लो 3 का स्थानीय मान पूछा जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 लिखना है और बाकी के जो अंक हैं उनको 0 कर देना है, ये हो गया स्थानीय मान। लेकिन यहाँ पर तो हमें पॉइंट दिया हुआ है, 0.015623, ये पॉइंट में दिया हुआ है, इसमें कैसे निकालेंगे? तो इसमें आपको रेशियो में आएगा, मतलब देखिए 5 यहाँ पर है तो इसका इस तरीके से आपको कर देना है, बस जैसे आपको 2 को निकालने को कहा जाए 1/1, 0, 3 को निकालने 1/0, 1 हो जाएगा। ठीक है, 6 का कहा जाए तो 6 नहीं, यहाँ पर 1/100 हो जाएगा क्योंकि 2 है, तो 5 का कहा गया था 3, हम 0 लगा देंगे, यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसका हमें सरलतम रूप पथ में बताना है, अंडर रूट में हमें 0.0625, और यहाँ पर हमें बाहर दिया हुआ है, ये याद रखना है ये बाहर है। ठीक है, तो देखिए इसको अगर आप ये देखिए, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम देखा जाए 0.0625, यानी दशमलव हटाता हूँ तो यहाँ से 4 0 आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये यहाँ से देखोगे आप ये इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 है, तो इसमें मैं रूट में है तो 100 आ जाएगा बाहर, और यहाँ पर देखिए ये कितना है 625, तो ये 25 बाहर आ जाएगा, आ गया कि नहीं आ गया? तो इसमें तो जो है देखिए 25 बार, और यहाँ पर 5 है ये, और ये 100 बाहर ही आ, तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा 55, 25, यानी यहाँ से देखिए 0.05 जो है इसका आंसर आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ओके, क्योंकि देखिए इतना आया ना, 5/100 आया है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 0.05 लिख सकते हो, इसको मैं अगर हटाता हूँ तो यहाँ से इस तरीके से लिख सकता हूँ वही। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर इसका भी हमें सरल रूप निकालना है, 5 × 6 9/2 दिया हुआ है प्लस 2/9, ये भाग का निशान लगा हुआ है, तो भाग का निशान लगाने का हटाने के लिए मैं गुणा करके और 7/6 कर देता हूँ, इसको मैं उलट देता हूँ संख्या को, जब भी आपको कभी भी कोई संख्या दी हो मान लो ऐसे, और ये भाग में दी हो, भाग में दी हो मान लो 3 2, ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना हो तो 2, ये तो सेम ही रहेगी, इसको बस आपको बदल लेना है और मल्टीप्लाई का साइन कर देना है। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर किया हुआ है, तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 से ये 3 बार जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 × 10, 2 × 3 6 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 5 अनुपात ये हो जाएगा 9 × 3 27, प्लस यहाँ से देखोगे 7 अनुपात ये भी 9 × 3 27, तो यहाँ से देखिए ये कितना हो गया हमारा, 7 और 5 12/27, 3 से चला जाएगा, 3 6 12, 3 9 3 7 की 3 8 24, 3 9 27। ठीक है, तो 4 अनुपात, तो यहाँ से अब हम मैं 9 से करूंगा तो जाहिर सी बात है दशमलव लगाऊंगा, 9 चौक 36 होता है, फिर कितना बचेगा, 9 चौक 36 4 बचेगा, फिर 9 चौक 36, यानी अब देखोगे 0.444 इस तरीके से जा रहा है, तो 2 दशमलव के स्थानों तक लिया है, यानी ये ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के प्रश्न, आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप अपनी तैयारी को और बेहतर और आपका लेवल जानना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो बल्क 3 की, इसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, और आपको परीक्षा डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर टेस्ट में जाना है। टेस्ट में जाने के बाद आपको नीचे यहाँ पर देखिए शिक्षक वर्ग 3 के यहाँ पर टेस्ट मिल जाएंगे। 20 टेस्ट रहेंगे इसमें। आपको पहला जो रहेगा वो डेमो रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हो प्रीवियस टेस्ट दे के। और बाकी के आपको यहाँ पर देखिए 299 की है, 299 नहीं पे करना है, याद रखना है। GOV50 कोड यूज करना है। तो यहाँ पर आपको मात्र 149 रुपये में यह टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाएगी। और आप अपनी लेवल जो है, आपकी तैयारी क्या कैसी है, जो सिली सिली सी मिस्टेक होती है, गलती से हो जाती है, वो आपको टेस्ट देकर ही पता पड़ेंगे, क्योंकि हड़बड़ाहट में बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं। तो जितना आप टेस्ट दोगे उतनी ही आपकी तैयारी, एक्यूरेसी सबसे बड़ी बात है, एक्यूरेसी बहुत होना चाहिए, तो ये आपको टेस्ट देने से ही मिलती है। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन बन के आएगी उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेट मिलता है। आपका लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।